नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया और सॉरी फॉर यस्टरडे, मैं नहीं आ सकी। आई हैड सम पर्सनल कमिटमेंट्स जिसको मैं मतलब फ्राइडे जो आपके लिए डेडिकेटेड था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कल नहीं कर पाई, आज करते हैं आपसे। तो मैं बीच में करीब 2 घंटे आपके लिए निकाले हैं, लेकिन 1 घंटा तो आगे पीछे सेटिंग करने में चला जाता है, और ये 1 घंटा मैं आपको डेडिकेटेडली देना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने 2 घंटे का मेरे पर्सनल वर्क से लीव लेके और आपके साथ मार्केट डिस्कस करने आ गई हूँ। वैलेंटाइन वीक है और मेरा वैलेंटाइन स्टॉक मार्केट है, हमेशा से रहा है, तो कैसे छोड़ देती आज का दिन आप लोग के लिए कि भाई मैं नहीं आऊं। और क्या है, मैं मार्केट में इतने सालों से हूं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इतना तो मार्केट में इतना किया, तो कुछ नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करूं। इसीलिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ। मैंने अपसर्ज के साथ टाई अप किया है, इनके साथ मैंने इतने वीडियोस बना रहा है, और वीकली या एक आध एडिट होते हैं, कभी दो एडिट होते हैं, तो वो मैं आपके लिए पोस्ट करवाती हूँ। स्पेशली मैंने 14th के लिए, जो माँ सरस्वती का दिन था, वसंत पंचमी, उस दिन मैंने सब लोगों के लिए एक RSI स्कैनर जो मैंने बनाया था, वो मैंने वीडियो अपलोड करवाया, जिससे क्या है कि सब लोग उसे देखें। और उसमें मैंने समझाया है कि स्कैनर बनता कैसे है। उसके बेस पे आप कोई भी वैरायटी का स्कैनर बना सकते हैं, अपने आप से बनाइए, जैसा आप चाहते हैं उसको मॉडिफाई कीजिए और उसमें काम कर सकते हैं। तो मेरा बेसिक पर्पस क्या था वो स्कैनर बनाने का, कि मैं सिखा सकूं कि स्कैनर बनता कैसे है, क्योंकि बहुत लोग चार्टिंग जानते हैं लेकिन चार्टिंग में स्कैनर कैसे बनता है वो नहीं जानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोडिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट कुछ लोग तो है ना जो नहीं बना सकते, तो उनको मेरा हेल्प करना बनता है। तो मैंने वो चीज 14th फेब को, वैलेंटाइन डे भी था और माँ सरस्वती का दिन भी था, वसंत पंचमी, उस दिन मैंने सिखाया है। अगर आपको चाहिए तो आप उस दिन का वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने RSI का स्कैनर कैसे बनाया है, जो मंथली वीकली डेली का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीक का भी मार्केट में आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। और आज मैं आप लोग को एक मेरा फेवरेट इंडिकेटर बताती हूँ, जो मैं एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करती हूँ। अगर जब कोई चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज की जाती है, तो वो लैगिंग इंडिकेटर नहीं होता, वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताता है, और वो सबका एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, फिबोनाकी के नंबर्स, फिबोनाकी के रेशियोज, फिबोनाकी के रेशियोज के ऊपर आप रिट्रेसमेंट्स, एक्सटेंशंस, टाइम, इतना बढ़िया चलता है। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, बट उसके ऊपर यूट्यूब्स बने हुए हैं कि फिबोनाकी इज द मोस्ट फेवरेट टूल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज हमारी लाइफ में भी हम फिबोनाकी का बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसकी गूगल सर्च कीजिए, फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिबोनाकी इन आर लाइफ, तो मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और उसी के साथ मैंने एक और फिबोनाकी पे इंडिकेटर, मतलब मूविंग एवरेज बनाया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 61 EMA। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा आपके साथ वही डिस्कस करती हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। तो हम क्या करते हैं, मैंने बना रखा है EMA, और वैसे अगर इसे बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इंडिकेटर्स में जाते हैं और EMA ये टाइप करेंगे, मूविंग एवरेज आ जाता है, और ये बाय डिफॉल्ट मैंने सेव किया है, आप भी सेव कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 9 आता है, जिसको यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाकर इनपुट्स में 9 को 61 कर देती हूँ, और स्टाइल में थोड़ा थिक कर देती हूँ, कलर चेंज करती हूँ, डिफॉल्ट्स में सेव एज डिफॉल्ट करके कर देते हैं, तो ये परमानेंट चलते रहता है जब तक मैं उसे डिलीट नहीं करूं या चेंज नहीं करूं या मॉडिफाई नहीं करूं। तो ये निफ्टी इंडेक्स में, ये मंथली में, वीकली में,
बहुत अच्छा चलता है। अगर हम देखें तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पे एसएल हिट किया है, या ऐसा नहीं है एसएल हिट नहीं होता है, एसएल हिट होता है, और हिट होता है तो हिट होता है, खत्म बात। लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरा एसएल बहुत कम हिट हुआ है, इसमें छोटा सा एसएल हिट हुआ है। मान लो यहाँ पे लिया हो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हो, तो फिर यहाँ पे एसएल हिट हो गया, फिर ऊपर गया, और फिर ये मान लो वापस एसएल हिट हो गया, और उसके बाद में जो शॉट है, तो इसके शॉट के साथ में जो कॉम्बिनेशन बैठा है वो है RSI 30 के नीचे। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये स्पीड मूवमेंट देता है, स्पीड और फास्ट मूवमेंट देता है। क्योंकि इसने क्या किया है, फिब का फिब रेशियो के ईएमए को ब्रेक किया है। अच्छा, ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत लोग पूछते हैं कि 62 क्यों नहीं, बिकॉज इट इज 61.8 और डेसिमल में मूविंग एवरेज नहीं बनता है इसमें, ट्रेडिंग व्यू में तो 60 या किसी भी मोस्टली सॉफ्टवेयर में नहीं बनता है। तो पूछते हैं कि भाई 62 लेना चाहिए तो 67 ही क्यों, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 62 लो या 61। लेकिन वो इनिशियल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 61 पे ही प्रैक्टिस की थी, मुझे 62 का ध्यान नहीं रहा, तो मैंने 61 पे ही प्रैक्टिस की थी और उसी को आज तक मैं यूज कर रही हूँ। और इसको मुझे यूज करते हुए करीब 9 साल हो गए, 2015 से मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो इतना बढ़िया इसमें मूवमेंट देखिए कैसे चलता है, सिंपल है। यहाँ से ये किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, मतलब वी शेप ब्रेकआउट भी आ गया, और यहाँ से इसने ये दे दिया सपोर्ट, ये सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर आया, और फिर क्या लंबा मूवमेंट दिया है। यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है क्योंकि क्लोजिंग नीचे नहीं है, क्लोजिंग ऊपर ही है, यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। बट अगर मैं टेक्निकल्स जानती हूँ, या आप जानते हो, सब लोग जो भी जानते हैं उनको ये पता है कि ये लोअर हाइज बन रहे हैं और ये लोअर लोज बन रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। एंड सी, वहीं पे सपोर्ट लेके बॉटम टू बॉटम, हाई टू हाई, फिर ये बना के रखने से थोड़ा और कुशन मिल जाए। उसके बाद अब यहाँ पे चलो मान लिया फिर से एसएल हिट हो गया, फिर वापस हुआ, फिर बाय, और उसके बाद चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, अभी तक तो चल रहा है ना। अब यही चीज इसमें साथ साथ में हम टेक्निकल्स भी मिक्स कर दे, जो नॉर्मल टेक्निकल्स हम यूज करते हैं, तो चीजें कितनी आसान हो जाती है। एंड आई विल शो यू समथिंग मोर। क्या मैं इसे इस तरह से बनाकर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में यूज कर सकती हूँ। RSI 70 के ऊपर गया, अब वापस RSI 70 के ऊपर ही है, अगर देखूं तो इसे मैं यूज करूंगी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करूंगी। जैसे ही ये इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एक लाइन बना के इसको फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज करूंगी। कर सकती हूँ ये मैं? यस। तो इस तरह से मैं इसको करती हूँ। अब यही चीज मैं अगर देखती हूँ कि कल फ्राइडे के दिन, जैसे मैंने एक चीज बता रही हूँ आज आपको, मैं देखती हूँ कि मार्केट में इंडेक्स, जैसे मैं बहुत बार बताती हूँ कि मैं मॉर्निंग में इंडेक्स देखती हूँ, तो इंडेक्स में CNX ऑटो था, मतलब ऑटो सेक्टर जो था वो मॉर्निंग से मजबूत था। लेट्स सी ऑटो सेक्टर, आप बहुत वैरायटी की प्लॉटिंग्स देखेंगे मेरे इसमें। अब इसमें अगर मैं डेली पे लेके आऊँ, यहाँ पे देखिए 1D, तो क्या दिख रहा है, RSI 30 के नीचे, RSI 30 के ऊपर आया, और यहाँ से ये जो नीचे आया था फिर वापस ऊपर आया, यहाँ पे साइड बाय साइड चलते रहा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जब ये ट्रेंडिंग मूव देता है ना, तो देखिए कहाँ से इसने दिया, और ट्रेल मूविंग एवरेज ये वाला ही ट्रेलिंग का काम करेगा, और ट्रेलिंग देते 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 अभी तक भी इसने हिट नहीं किया है। क्या कहते हो, कहां से, सपोज यहां से भी अगर मैं ब्रेकआउट के बाद भी लेती हूँ फ्रेंड्स,
कभी कभी नहीं विश्वास होता है बहुत सी चीजों का, हम बाद में हमारे ध्यान आता है। क्या हुआ, वन सेकेंड, चार्ट कहाँ गया? हाँ, तो हम ये ब्रेकआउट पे तो ले ही सकते हैं ना। जब हम ये ब्रेकआउट पे लेंगे, लेट्स से, फिर दूसरा स्विंग हाई का ये ब्रेकआउट बना लेंगे, और इस तरह से अगर इसको मैं और पीछे एक्सटेंड करूं तो क्या ये इसके साथ में है, क्या ये इसके साथ में है? मतलब ये अगर मैं लेती हूँ ये लेवल हाई का भी, तो यहां से जो चला है 13,000, 13,500 से लेके क्या कहते हैं आज ये 20,000 है कहां, और क्या सपोर्ट लिया है? सिर्फ ईएमए का ही मैं यूज कर रही हूँ, ये फिब लेवल्स है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब फ्रेंड्स मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को। ज्योति मैम के सभी वीडियोस और कोर्सेज पे हमारे यूज़र्स ने कमाल का फीडबैक दिया है, और हमारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट पे हमने ज्योति मैम के साथ फिबोनाची पे एक नया कोर्स लॉन्च किया है। इसमें हमने फिबोनाची के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर किया है। हम ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ज्योति मैम खुद फिबोनाची इंडिकेटर 10 से भी ज़्यादा साल से यूज़ कर रही हैं, तो उनकी पकड़ फिबोनाची को लेकर अनपैरेलल्ड है। ये कोर्स अभी लॉन्च ऑफर में चल रहा है, तो आप जल्दी से जाके बाय कर सकते हैं। सो हरी अप बिफोर इट एक्सपायर्स। मुझसे बहुत लोगों ने, मैं जो क्वेश्चंस मुझे लोग पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो उस हिसाब से, या कभी मेरे मन में कोई क्वेश्चन आता है ट्रेडिंग के टाइम पे, तब मैं ये चीज, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को शायद ये डाउट होगा, तो लेट मी क्लियर फॉर एवरीवन। तो मैं क्या करती हूँ, एक गूगल करके हम ये सेक्टोरल प्राइसेस या मैं सेक्टोरल इंडाइसेस में निकालती हूँ। जस्ट सर्च इंजन में जाएंगे, सेक्टोरल इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस में सेक्टोरल इंडाइसेस एनएसई इंडिया, ये आ गया सेक्टोरल इंडाइसेस एनएसई इंडिया। अभी इसमें ऑटो इंडेक्स है, तो ऑटो इंडेक्स में कौन कौन से शेयर्स आते हैं, लेट मी क्लिक दैट, और किसका क्या वेटेज है अगर मैं ये देखना चाहूं। ओके, यस, तो ये मेरा ऑटो सेक्टर का खुल गया, निफ्टी ऑटो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको निफ्टी ऑटो, यहाँ दिख रहा होगा निफ्टी ऑटो, और ये देखिए इंडेक्स कंट्रीब्यूटर। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, कौन से शेयर्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है जिसने ऑटो सेक्टर को खींचा है। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पर आके देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कौन से सेक्टर का, कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, टाटा मोटर्स का 17.25, फिर M&M 16.38, फिर मारुति 14.9, बजाज ऑटो 9.61। अभी जो सबसे ज्यादा बड़ा है इसमें वो है TI इंडिया, तो TI इंडिया का कितना परसेंटेज है, 4.51। उसके बाद M&M भी 4% ऊपर है, तो M&M का अच्छा खासा वेटेज है 16% का, बजाज ऑटो 9.61%, TVS मोटर 5.61। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, ये सब आपको ऑटो, और अगर किसी को चाहिए तो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेथोडोलॉजी फैक्टशीट, ये तो सब थियोरी है, बट ये देखते हैं तो इससे भी हमको बहुत आइडिया आती है। लेट अस से अगर मुझे ये देखना है कि हेल्थ केयर इंडेक्स या आईटी इंडेक्स, चलिए कभी आईटी इंडेक्स ऊपर है तो आईटी इंडेक्स में क्या देखना है मुझे, कौन से स्टॉक जो है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को बढ़ाते हैं। तो कल किसमें मूवमेंट था, सबसे ज्यादा विप्रो 4.52%, एम्फैसिस। अब यहाँ पर अगर मैं वेटेज देखूं तो सबसे ज्यादा इन्फी का है, फिर TCS का है, फिर HCL है, फिर TechM है, फिर विप्रो, मतलब टॉप 5 में आता है विप्रो, राइट? तो टॉप 5 में से कितने स्टॉक्स कवर कर रहा था आईटी सेक्टर, दो, विप्रो और इंफोसिस, भले ही छोटा मूवमेंट है। फिर एम्फेसिस, एम्फेसिस का 2.51 का वेटेज है, LTIM, LTIM का भी अच्छा वेटेज है 5.81, भले थोड़ा सा मूवमेंट है लेकिन है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम सेक्टोरल इंडाइसेस में कौन से सेक्टर का क्या वेटेज है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं।
मॉर्निंग में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, पहला वाला विप्रो, राइट, आईटी का। तो चलिए हम विप्रो में देखते हैं विप्रो की क्या पोजीशन है। अगर मैं विप्रो में भी देखूं और उसमें अगर मैं साइमल्टेनियसली अगर ये यूज करती हूं चार्ट के हिसाब से, तो ये ब्रेकआउट आ गया। अभी ब्रेकआउट के पास में ही क्या दिख रहा है मुझे फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा हर सेशन अटेंड करते हैं या एक दो भी किया हो, तो मेरा फेवरेट कैंडल क्या दिख रहा है मुझे, ओपन और लो नियर बाय, ओपन 522.50, 520.95, राइट। तो ये मुझे पास में दिख रहा है। वैसे ही हमने जब ये देखा था ऑटो सेक्टर, तो उसमें हमको टीआई इंडिया पहला दिखा था। टीआई इंडिया हाईएस्ट गेनर, देखिए कल ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, और अगर मैं बॉटम से ड्रॉ करूं, देखिए चार्ट को हमेशा एक एट ए ग्लांस हम कैसे देख सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। एक तो ये हम लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। अब उसके बाद जब मार्केट गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, स्विंग लोज पे लाइन बना के रखेंगे, एक टूटा तो दूसरा, दूसरा टूटा तो तीसरा, फिर ये। तो यहां से ये दोनों के पास में से ओपन लो बना के घूम गया और 61 EMA के ऊपर क्लोज हुआ। तो इस तरह से अगर मैं वेट भी करूं और अब मुझे इसका हाई क्रॉस करेगा तो लूंगी, फिर इसका ये, तो सबसे बड़ी लो स्टॉप लॉस भी आएगा, बिल्कुल EMA के नीचे आएगा। बट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अभी जैसे मैंने अभी देखा, कल नहीं देखा था, मिस हो गया, हो गया, तो इसके पीछे मैं भागूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे कर लेती हूं तो मेरा स्टॉप लॉस या तो ईएमए के नीचे की क्लोजिंग पे आएगा, और अगर रनिंग मार्केट है तो इसके लो के नीचे आएगा, जो कि रिस्क जो है ऑलमोस्ट 3745 से 3475, मतलब 200 पॉइंट का रिस्क है। तो इतना बड़ा रिस्क कंपेयर टू वॉट एवर इज मे बी द रिवॉर्ड, बट कैन आई अफोर्ड, कैन माई पॉकेट अफोर्ड दैट रिस्क, क्या मैं वो रिस्क ले सकती हूँ, मेरे पॉकेट को तकलीफ तो नहीं होगी। अगर मुझे वो रिस्क ज्यादा लग रहा है तो मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर आते हैं MNM, तो MNM में अगर मैं देखूं तो मूवमेंट जो है काफी ऑलरेडी चल रही है 2-3 दिन से, ये रहा, और कैन यू सी दैट, सब ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट हो गया मस्त एकदम। तो जब हम करते हैं तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड बट नेचुरल ये ट्रेड मैंने नहीं लिया होगा बिकॉज ये मूवमेंट है। सो इतने सारे ट्रेड्स मिलते हैं, सब तो हम नहीं ले सकते ना, बट एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेलर, अगर मुझे दिन का एक या दो स्क्रिप्ट भी मिल जाती है या 3-4 मिल जाती है जिसमें मैं मुझे अच्छा पैसा मिल जाता है, तो कोई दिन खराब भी जाता है अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है। अभी ये महीना मार्केट सबका वॉलेटाइल था, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लॉस नहीं होना चाहिए, आपके और मेरे हाथ की बात नहीं है, बट स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लॉस नहीं हो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉस कम हो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारे हाथ में है, लॉस नहीं होना हमारे हाथ में नहीं। तो क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं? यस मैम, अभी हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, काफ़ी सारी थैंक यू रिक्वेस्ट भी है, एंड काफ़ी सारे लोगों ने बताया है, मतलब सबका विशेज है, गुड इवनिंग मैम एंड वेयर दे आर फ्रॉम। कनिका जी हैं, उनने लिखा है कि उनने आपका रिसेंटली कोर्स कंप्लीट किया है 15 फेब्रुअरी को,
एंड आपने काफी एक माँ की तरह समझाया, जो अपने बच्चे को जैसे समझाती है। उनका एक क्वेश्चन है, उनने अभी तक लिखा नहीं है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कनिका जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन लिखिए ताकि हम मैम से आपका क्वेश्चन पूछ पाए। एंड गुड इवनिंग विशेज, एंड जिसको भी जो भी डाउट्स है आप अपने डाउट्स डाल दीजिए, मैम एक एक करके सबको अटेंड करेंगी, सबके डाउट्स क्लियर करेंगी। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं कुछ बताना चाहती हूँ उसके पहले, अगर डाउट्स नहीं आए तो, या कोई क्वेरी नहीं आई तो। ये फिब रिट्रेसमेंट मैंने लिया, ये बॉटम और ये टॉप, और फिर इसको मैंने एक्सटेंड किया। क्या कहते हो फ्रेंड्स, वापस मार्केट नीचे गया, ऊपर आया और 38.2 लेवल पर ही फिब का सपोर्ट भी है, मतलब मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे यहाँ पे आया, फिर से 38.2 का सपोर्ट लिया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, और वहीं से जो स्टार्ट हुआ है। तो क्या कहते हो, फिबोनाकी में वो जादू है अगर इसे ठीक से किया जाए तो, अगर हम पॉइंट्स को ठीक से पकड़े। यहाँ तक कि मैं बता दूं, अगर एलियट एलियट वेव्स कोई करता है तो वो जानते हैं, हार्मोनिक्स अगर कोई करता है तो वो जानते हैं, नियो वेव वुल्फ वेव जो भी करते हैं वो ये जानते हैं कि भाई फिब की क्या इम्पोर्टेंस है। वेव काउंटिंग में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस फिबोनाची की रेशियोज की है। ये फिब के जो हम रिट्रेसमेंट्स एक्सटेंशंस यूज करते हैं, इनकी सबसे बड़ी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इसी के ऊपर फिब काउंटिंग की, ये वेव काउंटिंग होती है। हाँ आया, आपका पास कोई डाउट है? यस मैम, रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज ऑप्शन सिखा दीजिए। मैंने ऑप्शंस का एक वीडियो बनाया भी है, और चलिए कल संडे है, ऑप्शंस पे एक वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए। नहीं, इस पे ऐसा करते हैं शुभ सर, हम ऑप्शंस का वीडियो तो बनाएंगे ही, क्यों ना हम एक ऑप्शंस का पॉडकास्ट बना लें, जिससे एक टाइप की जी लर्निंग मैम, सबको हो जाएगी। यस मैम, बिल्कुल ऐसा कर जैसे सकते हैं। अपन जैसे हमने टेक्निकल्स की दो पॉडकास्ट बनाई थी फॉर लर्निंग, वैसे ही मतलब फ्रेंड्स आप देख सकते हो, पॉडकास्ट दो बनाई है मैंने लर्निंग के हिसाब से। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कोर्स ओनली ऑफ 1-1 आवर का, दो रिकॉर्डिंग किए मैंने, और वैसा ही हम ऑप्शंस का भी कर सकते हैं। यस मैम, तो इसमें सारे जो बेसिक्स हैं और है सब डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, और साथ में आप एक काम और कर सकते हो फ्रेंड्स, कि जब मैं उस कोर्स की रिकॉर्डिंग करूंगी, और मोस्टली मैं इस कोर्स की अभी इसी वीक में रिकॉर्डिंग कर दूंगी, कमिंग वीक में अगले सैटरडे को, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट कर दीजिए कि ऑप्शंस में हम क्या क्या टॉपिक आपके लिए कवर करें, तो जो आप चाहोगे हम उसमें कवर कर देंगे। बट कमेंट में डालिए, नॉट लाइव चैट में नहीं, बिकॉज लाइव चैट में डालेंगे तो मुझे नहीं दिखेगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे दिखेगा, और हमारी टीम जो है उसको नोट डाउन कर लेगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके वही क्वेश्चंस को लेकर और कोर्स बना दूंगी 1-1 घंटे के। और अगर मुझे लगा कि क्वेश्चंस ज्यादा है तो मैं दो पार्ट भी कर दूंगी, तीन पार्ट भी कर दूंगी, आप उस पक्का बना के दूंगी मैं आप। जी मैम बिल्कुल, ऐसा ही पॉडकास्ट हम जरूर आपके साथ रखते हैं। मैम संदीप अग्रवाल जी का है, अशोक लेलैंड पे प्लीज लॉन्ग टर्म व्यू आपका शेयर करिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखना है तो मैं मंथली में जाना पसंद करूंगी, लॉन्ग टर्म में जल्दी से डेली से नहीं स्टार्ट करती। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये बनाती हूँ, राइट? इसे हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहते हैं, बिकॉज इट इज मोर देन 2 ईयर्स का ब्रेकआउट, एंड इट इज ऑलमोस्ट अ वी शेप जिसका ब्रेकआउट हुआ है। मैंने इसमें ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, नॉट अ ट्रेंड लाइन, ओके फ्रेंड्स? तो इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन भी बनाती हूँ तो उसमें मैं हाई टू हाई लेती हूँ। अच्छा, इसमें बहुत लोग मुझे पूछते हैं आप हाई टू हाई क्यों लेते हो, क्लोज टू क्लोज क्यों नहीं लेते हो? तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हाई टू हाई लेने से का मतलब है मैं थोड़ी कंजर्वेटिव वे में चल रही हूँ, क्लोज टू क्लोज में लेने से क्या होता है,
शायद मैं कहीं एग्रेसिव हो जाऊं, जैसे हम कहते हैं कि हाई टूटने के बाद लेना चाहिए, तो इसलिए मैं हाई टू हाई या लो टू लो इस तरह से लेना पसंद करती हूँ और वही मेरी आदत में बना हुआ है। और कितने करीब ऑलमोस्ट 33 इयर्स हो गए इस चीज को करते हुए, तो अब वो चेंज तो नहीं होगी ना इतनी आसानी से। एनीवे तो अभी जो है हम ये सपोर्ट पे हैं, अगर ये टूटता है तो ये और फिर ये, तो इस तरह से ये चलेगा। बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसने दे तो दिया है, बट साइमल्टेनियसली जैसे प्राइस ने कंटिन्यू हायर हाईज बनाए हैं मंथली में, आरएसआई ने कहीं पे भी हायर हाई यहाँ पर नहीं बनाया है, सिर्फ यहाँ पर एक ब्रेकआउट पर ये किया है, अंडरस्टूड। तो ये जो है इस ऊपर जाने के लिए मुझे इसका ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, और अब इसका हाई सस्टेन हो तो फिर मैं अच्छा लगेगा मुझे कि भाई लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अच्छा आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 30-40% राइज आई कैन एक्सपेक्ट इन अ 1 ईयर और 2 ईयर्स टाइम। ओके मैम, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिका जी जो आपको क्वेश्चन पूछ रही थी, वो उनका यही है कि आपने चार्ट पैटर्न में समझाया, डेट रेंज बताया था, कॉर्ड केबल शेयर में मंथली ब्रेकआउट हो गया है तो वो रेंज कैसे निकाले प्लीज। किसमें मैम कॉर्ड केबल, CORDCALBE। इसमें तो एकदम मस्त बना है, क्या कहते हो मैडम? ये ब्रेकआउट, ये भी ब्रेकआउट है ना, अभी का जो RSI 88 है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो हम 30-40% एक्सपेक्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली विद इन अ ईयर और 2 ईयर्स। तो 30-40% ब्रेकआउट के बाद जहां पे हम ब्रेकआउट मतलब सपोज यहाँ से भी देख रहे हैं तो लेटर से 150 यहाँ पर, अगर अब आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो मुझे मंथ की वेट तक कर मंथ में वेट करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कहूंगी एक तो RSI 70 के ऊपर मैं ले सकती हूँ 150 150 का 40% अगर मैं पकड़ती हूँ तो उसके हिसाब से 60 रुपीज के करीब आता है जो कि 200 है जो, और इसी महीने पे उसने कवर कर दिया। दूसरा इसका एक और तरीका है जो मैं आपको कनिका जी और दूसरे फ्रेंड्स को बताती हूँ कि ये 1 फरवरी को लेटर से ये मंथ जो फरवरी मंथ है मैं इसमें वीकली पे जाती हूँ थोड़ा सा 1 डिग्री लोअर टाइम फ्रेम पे, और 1 डिग्री अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाती हूँ तो इसका जो है मुझे ब्रेकआउट जिस दिन हुआ वो देखिए यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताती हूँ मैं आपको, ये हाई पे बंद हुआ है। अब अगर वीक की क्लोजिंग हाई पे होती है तो 60-70% चांस है कि वो गैप अप खुल सकता है, 100% तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन RSI अगर 70 के ऊपर बंदी है वीकली हाई पे क्लोज दिया है तो देर इज अ चांस कि इट कैन ओपन गैप अप। इसको फिर और क्लियर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको ढूंढना नहीं पड़े, हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बना देंगे और डेली में चले जाएंगे। मल्टी टाइम फ्रेम को मैं कैसे यूज करती हूँ, अब क्या दिख रहा है मैडम आपको, 70 के ऊपर RSI वो बाद में आई होगी, ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है डेली में, प्लस और क्या दिख रहा है, ईएमए का सपोर्ट लेके चल रहा है ना, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कहीं बाय करती हूँ लेटर से मेरे हाथ में 125-126 में भी आया है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा जो कि छोटा सा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है, और फिर वीकेंड हो गया हाई पे बंद किया, आई विल वेट एंड देन सी व्हाट हैपेंड। आई होप कनिका जी एंड अदर फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा ये चीज, अगर यस मैम, समझ में आया है तो आप यस करिए प्लीज। यस मैम।
मैम काफ़ी सारे स्टॉक्स और उनके ऊपर व्यूज के बारे में बात आ रही है, एंड आज का जो हमारा मेन एजेंडा है हम उस पर भी बढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपका जो फेवरेट इंडिकेटर या सीक्रेट इंडिकेटर जिसे हम कह सकते हैं जिस फिबोनाची, मतलब देखो ऐसे तो टेक्निकल में कुछ है नहीं जो फेवरेट नहीं हो, जो पैसा दे वो ही फेवरेट हो जाता है, बट फिबोनाची में कुछ ऐसी खास बात है कि उसके साथ जब हम कॉम्बिनेशंस करते हैं एंड होल वर्ल्ड यूजेस फिबोनाची, तो क्या यस कहोगे? मैम, यस मैम। तो मैम अब फिबोनाची एग्जैक्टली होता क्या है एंड उसके बारे में आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, लाइक बहुत सारे हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं जिन्हें फिबोनाची के बारे में शायद ना ही पता हो। तो इसके ऊपर भी मैंने दो वीडियोस बना के डाले हुए हैं माय फ्रेंड्स, फिबोनाची के ऊपर, आप उसे जरूर देखिएगा, आपको समझेगा। एक में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया है, एक में मैंने फिबोनाची नंबर्स और उसका वो कैसे यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में और मार्केट में, वो भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर से देखिए, आपको फिबोनाची के ऊपर आइडिया आ जाएगा। और जी फिर मैम, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जाना है तो फिर हम बात करेंगे। कोर्स भी बनाया है वैसे मैंने उसका, लेकिन और नॉमिनल रेट पे, बट अगर आपका टेक्निकल्स क्लियर नहीं है तो प्लीज डोंट गो फॉर द कोर्स। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इफ योर टेक्निकल्स एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स आर नॉट क्लियर, और इफ योर नॉलेज ऑन बेसिक मार्केट इज नॉट क्लियर, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पहले जो वीडियोस डाले हैं वो देखिए, कोर्स के बारे में मत सोचिए। भले ही वो 500 रुपए का कोर्स होगा, 1,000 का होगा, 1,500 का होगा, लेकिन वो पैसा क्यों वेस्ट करना, राइट? तो इसलिए जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है, मेरे दो बनाए हुए फिबोनाची के वीडियोस क्लियर नहीं है, तब तक आगे की बात सोचना भी मत। यस यस तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन्हें फिबोनाकी में आगे चीज़ें समझनी है, तो उसके लिए हमने लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेर इन मैम ने स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये चीज़ उनके लिए बनाई है फिबोनाकी। तो जैसे जिनका अगर बेसिक्स क्लियर हो गया है और जिनको लग रहा है कि उन्हें एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना है, एक नेक्स्ट स्टेप लेना है उनकी ट्रेडिंग जर्नी में, तो वही इस कोर्स की तरफ अपने आप को एनरोल करें जिससे आपको और चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड इसमें मैम ने हमें कहा है कि मेरे यूट्यूब पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जो मेरे साथ डेली बेसिस पे लर्निंग करते हैं, तो मैम ने स्पेशली आप लोगों के लिए गिफ्ट भी रखा है Family20 करके। अगर आप जब वहाँ पे उस पेज पे जाएंगे जो कोर्स का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उधर बस जाके Family20 लिख दीजिएगा तो उधर आपको मैम का गिफ्ट मिल जाएगा जो मैम ने आप लोगों के लिए रखा है। बट कोई भी कोर्स बाय मत करिएगा जब तक आपका बेसिक क्लियर ना हो जाए, और उसके लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए बनाए हैं, बनाती रहूंगी, जी मैम, ओके? बिल्कुल मैम, और उससे ज्यादा अगर आपको कोई मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसी वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करिए, जिससे मुझे और कौन से टॉपिक पे आपको और वीडियोस बनवाने हैं वो मुझे बताइए और उसका फायदा उठाइए जितना उठा सकते हो भाई। जब मैं देने को तैयार हूं नॉलेज, तो आप लेने में कंजूसी मत करो। और YouTube वीडियोस का तो मैं कुछ चार्ज भी नहीं कर रही हूं ना आप लोगों से, फिर क्यों कंजूसी कर रहे हो देखने में सीखने में? मैंने कहीं कोई मार्केटिंग नहीं की, इट्स प्योर नॉलेज, डोंट वरी। और मैं तो खुला बोलती हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आता है कोई कोर्स मत खरीदना, अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, गॉट इट? यस मैम। मैम काफ़ी सब लोगों का थैंक यू आ रहा है एंड काफ़ी लोगों ने एनरोल भी करना स्टार्ट कर दिया है आपके कोर्स की लर्निंग के लिए, जिन लोगों ने को जेन्युइनली ट्रेडिंग के लिए अपना वो लव है, जिनको जेन्युइनली ट्रेडिंग करनी है फुल टाइम जिसपे आगे बढ़ना है, तो उन लोगों ने शायद एनरोल भी करना स्टार्ट कर दिया है इस पर। देखिए वो उनकी इच्छा है कि वो एनरोल कर रहे हैं, लेकिन 10 बार सोच के एनरोल कीजिएगा, ये मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी, बिकॉज आई एम टोटली अगेंस्ट ऑन एनी वन परचेजिंग द कोर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग एंड
ये सोच के कि शायद उसमें मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा सिखाया होगा, कुछ ज्यादा ही उसमें ट्रिक्स बताए होंगे, अगर ये सोच के आप बाय कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करिए। नॉलेज बेस है, मैं सब जगह नॉलेज ही दे रही हूँ, मैं कोई ट्रिक्स कुछ नहीं शेयर करती, सिर्फ नॉलेज जो मुझे मार्केट ने आज तक सिखाया है। जी बिल्कुल। तो जिनको भी मैम का नॉलेज अगर लग रहा है, उन्हें मैम का नॉलेज चाहिए, तो वो लोग ही जो सीरियस यूजर्स हैं या सीरियस ट्रेडर्स हैं, वही उसकी तरफ आगे बढ़े। तो मैम, मूविंग ऑन टू आज के और क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स आ गए हैं कमेंट बॉक्स में, हमारे लाइव चैट में। तो राहुल जी का है एशियन पेंट पे व्यू मैम। क्या कहते हैं माय फ्रेंड्स? बताइए, इंडिकेटर भी लगाया हुआ है और साथ में ये भी लगा दिया, अब बताओ क्या कहते हैं? अब कुछ चीज जब सामने आती है तो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, व्हाट से माय फ्रेंड्स? यस, तो जब कोई चीज सामने आती है तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, और एक ये एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, चलिए। तो मार्केट अगर यहां से एक्सटेंड करे तो फिर हम आके इसके ऊपर फिर हम सोचे। और एक चीज और जब मैं बता रही हूं, जब भी ये RSI के इधर पॉजिटिव डाइवर्जेंस ले चुके, हमेशा ध्यान रखना, तो वैसे तो 30 के ऊपर भी काम करता है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस ले तो ज्यादा अच्छा है, और ये हमको पिछला सपोर्ट भी मिल गया, यहाँ पर अगर ये मिलता है तो देर इज अ चांस कि द स्टॉक कैन मूव टू 61 EMA। ये EMA वगैरह सब जानते हैं होता क्या है, ये एक एवरेज होता है, तो प्राइस जब एवरेज से बहुत ज्यादा डेविएट हो जाती है, दूर चली जाती है, तो वो वापस अपने एवरेज की तरफ आने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते हैं मीन रिवर्टिंग। अच्छा चलिए, अब जब मैं एवरेज की बात कर रही हूं, तो कल किसी से मेरा डिस्कशन हो रहा था, कल की ही बात है, कि 200 मूविंग एवरेज क्यों होता है, सबसे ज्यादा कॉमन 200 मूविंग एवरेज क्यों यूज किया जाता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, नॉट इन लाइव चैट, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि 200 मूविंग एवरेज क्यों होता है, और इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे को दूंगी, मतलब कमिंग फ्राइडे को दूंगी, जब मैं फिर से लाइव आऊंगी, कि 200 मूविंग एवरेज का बेस क्या है, क्यों बना था 200 मूविंग एवरेज, सब लोग ये कॉमन फैक्टर क्यों यूज करते हैं एज अ 200 मूविंग एवरेज, DMA 200 DMA ये सब क्यों यूज करते हैं? Got it? Yes, we have next. यस मैम, RVNL इज द नेक्स्ट स्टॉक जिस पे व्यू मांग रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने सिर्फ लगा के रखा है, आपके सामने स्क्रीन खोला है, क्या कहते हो माय फ्रेंड्स? व्हाट से मुझे कुछ बोलना पड़ेगा? यस, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है वही बता दे, क्या मुझे बोलना पड़ेगा? क्या सपोर्ट लेके वहां से ओपन लो जैसा बना के और फिर वापस घूम गया है? ओपन लो तो नहीं बनाया, काफी बड़ा फर्क है, 5-6 रुपए का, बट सपोर्ट वहीं पे लिया है। अगर यहाँ पर हम बाय करते, छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम आगे बढ़ सकते थे। अब क्या करना है, तो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम में भी अभी तक वापस इसने पुल बैक दिया है, मंथली में RSI अभी भी 70 के ऊपर है। ओके, अगर आप बाय कर रखे हैं तो ये वाले स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेल करते जाइए, डेली में आकर, ये डेली का 61 EMA, इसको ट्रेल करते जाइए।
मैम पूनम नेक्स्ट जी ने शायद आपका वो प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब दिया है कि बिकॉज 200 वर्किंग डेज होते हैं इन अ ईयर, 200 EMA का शायद जवाब है ये। 200 ट्रेडिंग डेज कहाँ होते हैं? 256, 256 सिक्स अप्रोक्सीमेटली 246, 250 के आसपास होते हैं ना ट्रेडिंग डेज? ओके मैम, तो शायद उनका गेस गलत है। नहीं, उनका गेस वर्क जो है आज की तारीख में जो सब लोग बात करते हैं कि 200 ट्रेडिंग डेज, तो सब यही कहते हैं, बट आज की तारीख में ट्रेडिंग तो जो है अप्रोक्सीमेटली 245 से 250, 255 तक ट्रेडिंग डेज होते हैं रफली, बिकॉज 52 वीक्स होते हैं, 5 डेज प्योर वर्किंग ले लेते हैं तो 260 डेज हो जाते हैं। तो 260 के अंदर अगर हम 10-15 हॉलीडेज निकाल देते हैं, इससे ज्यादा हॉलीडेज मिलती नहीं है, तो 245 से 250 के बीच में ओके मैम, यस मैम, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हम काफी सबका इसके आसपास ही है। 200 डेज एवरेज प्राइस, 200 इज डेडलाइन ऑफ स्टॉक्स। नेक्स्ट फ्राइडे बताएंगे, ये फ्राइडे हम, ये वीक हम आपको गेस करने का, स्टडी करने का, सर्च इंजन में ढूंढने का मौका दे रहे हैं। कम से कम इसी ओ बहाने दो चीज सीखोगे तो सही, पर गूगल करोगे, सर्च करोगे तो कुछ चीज सीखोगे तो सही। चलिए करिए यस मैम, मेहनत, हम आपके साथ में हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है राजेश एक्सपो आया है, क्या कहते हो माय फ्रेंड, डू यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन? दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिब एवरेज, मूविंग एवरेज, यू नो दैट, दैट्स द ब्यूटी। अभी तक स्टॉक वीक लग रहा है मुझे, अभी तक इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है। अगर आप मुझसे बाइंग की पूछोगे तो अभी के लिए मेरा स्ट्रिक्ट नो नो है। ये देखिए 30 के नीचे तो RSI है ही है, प्लस ये देखिए, और अगर मैं कहूं ये तोड़ चुका है ना, अगर मैं वीकली में जाती हूं, वीकली में भी 30 के नीचे है, मंथली में जाती हूं तो मंथली अभी 30 के नीचे तो नहीं है बट बॉर्डर पे है 31.79। तो मैं, मेरा बाय अभी के लिए इसमें नो नो है, और तो क्या कहूं, जब तक रिवर्सल नहीं दिखेगा मैं बाय नहीं दे सकती। ओके मैम। मैम नेक्स्ट स्टॉक अभिषेक जी का है, HAL। अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको क्लियर कट दिख रहा होगा। क्या बोलते हो फ्रेंड्स, मजा आ रहा है? कितनी, ऐसा लगता है लाइफ कितनी सिंपल हो गई ना। थोड़ी ये चीजें परेशान करती है, मानती हूं ये चीजें परेशान कर देती है थोड़ी बहुत, बट जब ट्रेंडिंग मूव मिलते हैं चाहे कोई भी होने दो तो भाई अच्छा भी लगता है, राइट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम बंधन अभी बैंक ऊपर पे ही जा रहा ब्रेक, है और मैंने RSI इसलिए ड्रॉ किए कि अगर RSI ब्रेकआउट होता है और ये भी ब्रेकआउट होता है तो अगेन माय स्टॉप लॉस विल बी स्मॉल एंड आई कैन गो अहेड। वीकली RSI अभी भी 70 के ऊपर है, मंथली भी 70 के ऊपर है, और कब से 70 पे चल के ऊपर चल रहा है भगवान जाने। इट इज ऑलमोस्ट व्हाट से, सिंस 700 रुपीज के आसपास से ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है। अप्रैल 20, मैंने अभी बहुत एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, माय स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, जो बहुत जल्दी आप लोग के पास आ जाएगा, आई थिंक विद इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक, आई एम नॉट श्योर, एडिटिंग में है वो, जरूर से देखिएगा कि
कि मैं इवन हल है सब, ये कैसे मैंने इसमें इन्वेस्ट करती हूँ, क्या करती हूँ और कैसे क्या ट्रेडिंग से पैसा आता है उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करती हूँ, वो सब मैंने उसमें अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी शेयर की। जरूर देखिएगा। यस, आ जाएगा अभी नेक्स्ट, मतलब ये वीक में या नेक्स्ट वीक में। रेडी हो गई हमारी एडिटिंग होके उसमें? यस मैम, वो अभी एडिटिंग में है। सून जैसे ही आ जाएगा वो, जल्दी जैसे ही रेडी होता है हम उसे पोस्ट कर देंगे सभी के लिए। बिल्कुल ट्राई करिएगा कि उसको है ना इस मंथ एंड के पहले पहले पोस्ट कर दें। जी मैम, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट टॉक जो है हरीश कुमार जी का, HDFC बैंक के लिए वो पूछ रहे हैं। ये देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी 70 के नीचे जैसे 30 के ऊपर आता है तो ईएमए को टच करने एवरेज के पास आता है, वैसे ही जब ऊपर 70 से नीचे आता है तो अगेन ईएमए टच करने आता है। और ये तो टच करके भाई ठीक है, उसके अंदर कोई भी आया होगा, हट करके नीचे आया है। अभी तक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसको मैं नहीं कहूंगी, ये क्लास, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोल सकते हो बट नॉट अ क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस। क्योंकि क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस में क्या होता है, अगर एक पॉइंट आपका 70 या 30 के नीचे हो या 70 के ऊपर हो तो दूसरा पॉइंट जो है वो 30 के ऊपर होना चाहिए, और ऊपर में अगर वो 70 पे है तो दूसरा पॉइंट उसका 70 के नीचे होना चाहिए, देन आई विल कॉल इट एज अ क्लासिक डाइवर्जेंस। और अगर इसको हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में भी अभी तक ये थोड़ा पिकअप करने की तैयारी की है, ये वीक का क्लोजिंग इसका थोड़ा ठीक ठाक है। सुपर, क्या बोलते हो भाई? जब मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में जा रही हूँ, देखिए 2020 का क्रैश भी इसने क्या संभाला है ना? अब बताइए मैं क्यों ना पसंद करूं इस इंडिकेटर को। यहां पर भी देखिए, अगर मैं यहाँ बाय भी करती हूँ तो रिस्क छोटा है ना, बिकॉज अच्छा बाय क्यों करना है, बिकॉज वीकली हैज गिवन मी अ लिटिल बिट ऑफ बुलिश साइन, लिटिल बिट ऑफ बुलिश साइन, राइट? ये हैमर टाइप का शेप बना के, और डेली में भी RSI इज अबाउट 30, ओके, तो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। और टारगेट, पहला टारगेट ईएमए डेली का, दूसरा टारगेट फिर हम लाइन बना के भी जा सकते हैं, वीकली का भी ईएमए ज्यादा दूर नहीं है और मंथली में भाई ने तो सपोर्ट लिया ही लिया है। मैं आज ईएमए नहीं हटा रही हूं, बस यही देखते चाहिए आप। यस, नेक्स्ट यस स्टॉक। मैम। मैम IREDA नेक्स्ट स्टॉक है हाँ, हमारा, IREDA। IREDA, फ्रेंड्स इसमें ना तो भी मूविंग एवरेज बना है ना कुछ और बना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर लेंगे। ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है, और सॉरी50% पे ओपन लो बनाया है और आगे बढ़ रहा है, तो ये जो सर्किट 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 मारा है तो 50% पे ओपन लो बना के आगे बढ़ गया। अभी तक इसमें मूविंग एवरेज बना ही नहीं है क्योंकि 61.8 का इसमें प्रेजेंस आया नहीं है, तो इसमें हम सिर्फ फिबोनाची की हेल्प ले सकते हैं। और अगर मैं इसे बाय करती हूँ तो मुझे एक तो ओपन लो चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। क्या कहते हो? अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूं तो ये देखिए वी आर, इसने प्राइस ने 61 EMA और फिर वहीं पे, बट ये कंटिन्यू आइदर अप साइड सर्किट है या डाउन साइड सर्किट है,
माय फ्रेंड, मैं थोड़े से जो है सर्किट सर्किट वाले स्टॉक्स के ऊपर, अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक को कम फेवर करती हूँ, मतलब ट्रेड करना, बिकॉज रिस्की बहुत हो जाता है, माय व्यू। यस यस मैम, फ्रेंड्स, यस मैम। नेक्स्ट स्टॉक राकेश रंजन जी का है, ऑन एनएचपीसी पे व्यू प्लीज मैम। अगेन व्हाट से माय फ्रेंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी चलो बनाते हैं, ये लो है हमारे जो विजिबल है हमको अच्छे से, ये हाई है। अब देखा क्या है, ये 61.8 से घुमा है, 61.8 मतलब ये 0.618 इज इक्वल टू 61.8, तो 61.8 से जो घुमा है अगर आप इसे देखोगे एकदम ध्यान से देखिए, ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया है ना यहाँ पे, इसका लो क्या है 77.65, दूसरे दिन का लो क्या है 77.5, इसे हम कहते हैं ट्वीजर बॉटम इन टेक्निकल्स में, ट्वीजर बॉटम। और साथ ही 61.8 के सपोर्ट से घूम गया है, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया, ऑलमोस्ट 61.8 का, 61 का ईएमए के ऊपर है, चल रहा है। अब इसमें जो चीज मुझे दिख रही है, मुझे कोई चीज दिखती है तो आई कांट कंट्रोल, मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं इसमें एक और काम करती हूँ, ये जो है ये बड़ा कैंडल है, तो बड़े कैंडल में मैं ऐसे बना देती हूँ, ये हो जाता है इस किसी को, इसको चाहे मास्टर कैंडल कह दो चाहे इनसाइड बार कह दो, ये जो कैंडल्स चलती है ना इसके अंदर अंदर चलती, तो अगर सपोर्ट पे होगी तो मैं इसके लिए ट्रेड करूंगी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में, यहाँ पे होगी तो अगर मैं शॉर्ट नहीं करूंगी तो बिकॉज एफएनओ में है नहीं इसलिए मैं शॉर्ट नहीं करूंगी, सॉरी मैं इसको शॉर्ट ही नहीं करूंगी बिल्कुल किसी कीमत पे, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट इज नॉट इन एफएनओ, वन सेकेंड, कभी कभी याद नहीं रहता है भाई, नहीं। फिर भी मैं देख लेती हूँ, नहीं है क्या है कि मैं ना बोलने के पहले एक बार और कंफर्म कर दूं, क्योंकि मैं ये स्टॉक जो है मैंने नहीं किया है इसलिए, तो मेरी पर्सनली इसमें नहीं है कुछ भी, तो ये जो है इसी के अंदर घूमता है तो शॉर्ट तो मैं इसको कर नहीं सकती, अब या तो मैं इसे ब्रेकआउट के बाद बाय करूंगी, ये मेरा इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ दिस बिग इनसाइड बार, अंडरस्टूड, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा अगर ये ब्रेकआउट देता है तो, और अदरवाइज ये सपोर्ट के पास आता है अगेन माय स्टॉप लॉस विल बी स्मॉल, ब्रेकडाउन दिया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, शॉर्ट में कर नहीं सकती, बस इसी तरह से वो देखेंगे क्या होता है, बट इसके ऊपर जाएगा मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकती हूँ। अगर मैं इसे वीकली में देखूं, राइट, मंथली में देखूं, सब जगह RSI इज अबव 75, 70, यस, डू वी हैव नेक्स्ट स्टॉक? यस मैम, वी डू हैव मेनी स्टॉक्स, बट उसके पहले मैम आज हमारे साथ 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आके जुड़े हुए हैं एंड लर्नर्स जो जुड़े हुए हैं, उनको मैं बस यही बताना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंस है फिब का एक ट्रेडर की लाइफ में, एंड फिब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या इंडिकेटर यूज़ करते हो, उसमें फिब अगर आप यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता पड़ता है। और मैम ने स्पेशली आप सभी की रिक्वेस्ट पे ये कोर्स हमारे साथ बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जिनको भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी या ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है, तो इसमें बिल्कुल एक बार आप जाके देखिएगा और समझिएगा कि कितना इम्पोर्टेंस है। और मैम ने बहुत प्यार से आप सभी के लिए बनाया है, और जैसे मैम की लर्निंग का या पढ़ाने का तरीका आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको, मेरे को लगता है ऐसा बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा ये कोर्स देखने के बाद। एंड आज का लाइव हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट है एंड मैम के पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। मैम स्पेशली आप सभी के लिए थोड़ा टाइम निकाल के अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लाइव में हम आपसे सभी से मिलते हैं विथ मोर स्टॉक्स आपके, और जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल नोट करिएगा।
एंड डू कंसिडर इन नोइंग दिस फिबोनाकी रिट्रेसमेंट. मैम बिल्कुल, बिफोर गोइंग आप एक बार एक मैसेज कुछ शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग थैंक दिस यू माय कोर्स? फ्रेंड्स, और कीप प्रैक्टिसिंग। आप सोचते होंगे कि प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या, तो बस जस्ट फॉर योर, आई डोंट नो वेदर यू ऑल विल बिलीव मी और नॉट बिलीव मी, 1986 में जब मैं रिंग में गई थी, मुझे यही चीज सिखाया गया था रिंग में कि प्रैक्टिस एवरी डे करना है, और वो भी एक बहुत बड़े ब्रोकर थे जो बैलेंस शीट स्टडी कर रहे थे, बिकॉज दैट टाइम बैलेंस शीट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, चार्ट्स कोई जानता नहीं था। फिर मैंने चार्ट्स समझा, तो उन्होंने मुझे, मैं देख रही थी, वो स्टडी कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, सर आप मार्केट तो बंद हो गया, सब खत्म हो गया, अभी आप क्या कर रहे हैं? बोला बेटा मैं अगर अभी स्टडी नहीं करूंगा तो कल आप लोग को क्या बताऊंगा। तो वो बात दिमाग में बैठ गई, और तब से मैं रोज 2 घंटे, चार्ट्स है, ऑप्शन चेन है, ऑप्शन डेटा है, स्ट्रैटेजीज है, इन सबको देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगी तो मैं कल आप लोग को क्या बताऊंगी। और इसी के साथ कीप लर्निंग, थैंक यू।